एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी हम जा रहे हैं ससुर जी को लेकर के, कुछ सामान राशन वगैरह का लाना है और उनके लिए भी कुछ कपड़े शू वगैरह है, कुछ शॉपिंग वगैरह करना है, तो वहीं पे ले जा रहे हैं। तो ससुर जी को भी ले जा रहे हैं कि वो घर में बैठ के करेंगे क्या, तो ले जाएंगे तो उनको भी थोड़ा सामान बहल जाएगा। तो मैं पूरा रेडी हो गई हूँ और बच्चे हस्बैंड सभी नीचे चले गए हमेशा की तरह, मैं लॉक लगाने के लिए बच गई हूँ। तो मैं लॉक लगा देती हूँ, उसके बाद मैं भी हम लोग पहुंच गए हैं। और आज हो गई है काफ़ी ज़्यादा डीमार्ट में हमारे, तो डीमार्ट पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्किंग कर दी है, अब हम चलते हैं अंदर। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे डीमार्ट में मैंने राशन वगैरह हमने ले लिया है। यहाँ पे मैं वीडियो बनाई नहीं क्योंकि कई बार मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और वीडियो इसकी अपलोड है। राशन लेने के बाद यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, बच्चों का चप्पल वगैरह कुर्ते वगैरह लिए, वहाँ पे ये लोग खेलना स्टार्ट कर दिया। खेलने के बाद अब हमने क्या किया कि सामान वगैरह ले लिया है, बिल वगैरह सब कुछ हो गया है। सामान लेने के बाद जा रहे हैं पतिदेव गाड़ी में रखने, और गाड़ी में रखने के बाद हम लोग भी यहाँ से चलेंगे। चप्पल और शू वगैरह है ना बच्चों का, जो नहीं पसंद आया, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, इसके साइज़ का नहीं था, तो वो शू और वगैरह नहीं लिए हम, वो हम अलग दुकान में जा कर के लेंगे। फाइनली डीमार्ट से हम लोग वापस आ गए हैं और अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, शू खरीद, शू खरीदने जा रहे हैं। और ये भुखर आदमी सब खा रहा है, ये देखिए चश्मा भुखर, दोनों भुखर, हम नहीं है भुखर, हम नहीं है। यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले शू ले लिया, और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ आ गई, ये तो दुकान नहीं दिख रहा है। तो हाँ जी, मैं डॉल्फिन आ गई थी, मैं पहले जहाँ रहती थी तो डॉल्फिन आ गई थी। तो यहाँ पे शू वगैरह चप्पल वगैरह लेते हैं ना, तो वो टूटता नहीं है जल्दी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी ये बेचते हैं भैया, तो इन्हीं के यहाँ से आके मैं अक्सर ले जाती हूँ। लेने के बाद ये देखिए ये वाला इनका दुकान है, और ससुर जी यहाँ पे खड़े हैं देख रहे हैं, उनका भी मैंने चप्पल लिया था और बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। इस जगह से हमारी यादें काफ़ी ज़्यादा, मतलब हर वीडियो में मैं बोलती हूँ, काफ़ी यादें जुड़ी हुई है। यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा ऋतिक बिल्कुल घुटनों के बल चलता था, तब से आता था, और ऐसे मैं बैठी रहती थी, और इतना देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा गैप है, मतलब स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बच्चे आराम से खेलते हैं, गिरने उड़ने का टेंशन नहीं है। और यहीं पे मैं पहले काम भी करती थी, माइक्रम का जो मटेरियल होता था वो सिखाती थी सबको। और ये यहाँ का नज़ारा है, पूरा यहाँ का विशाखापट्टनम दिखता है डॉल्फिन से। तो यहाँ पर अक्सर मैं आकर के शाम में बैठा करती थी, रात के 9 बजे 10 बजे तक, तो एकदम जैसे हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं ना, तो वैसे सब कुछ नज़रों के सामने साफ साफ दिखने लगता है। पहले मैं मूवी वगैरह देखती थी और जैसे पुरानी याद आती है तो उसमें फ्लैशबैक में जाके दिखा देते हैं मूवी में, बस यही फ़र्क है। लेकिन ये रियल चीज़ है, हम जहाँ पे कई साल रह चुके हैं और वहाँ पर फिर जाते हैं ऐसे ही घूमने या किसी काम से, तो जैसे वो सब चीज़ें जो हमने यहाँ पर कर चुकी है ना, वो सब चीज़ें एकदम क्लियर सामने, ऐसा लगता है कि नज़रों के सामने सब कुछ घूमने लगा। तो
यादें ताज़ा हो जाती है। और बच्चे वगैरह हैं जो हमारे दोनों बेटे हैं वो खेल रहे हैं, और जस्ट इसी के बगल में रेस्टोरेंट था तो यहाँ का बर्गर जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब बर्गर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था जब मैं यहाँ रहती थी तो वहाँ पे बनाने वाले जो थे ना वो काफ़ी अच्छा बर्गर बनाते थे तो मैं बहुत मिस करती थी। तो मैं आ गई तो पतिदेव को बोली कि बर्गर खिलाइए, तो वही ऑर्डर देके वो आ रहे थे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दे दिया हूँ ऑर्डर। लेकिन जब मैं बर्गर खाई ना तो क्या ही बताएं हम, बर्गर सबने यहाँ पे खा लिया है। और सच कहूँ तो मुझे बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया। यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगता था लेकिन बनाने वाला जो था ना वो चेंज हो गया था, तो बहुत ही बेकार बर्गर दिया था बना करके। तो यहाँ पे बर्गर खाने के बाद हम चल रहे हैं घर को, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि इसके आगे हमने वीडियो नहीं बनाया था। मेरा सर दर्द यहीं से काफ़ी ज़्यादा होने लगा था तो इसके आगे कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आई होप कि आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी सी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा खूब सारा वाला। बाय बाय।